देखो गाइस, कल है जन्माष्टमी और दिव्यू ने आज आज पहन लिए अपने कपड़े। ये इसकी सबसे बड़ी वाली मासी ने भिजवाए थे, तो थोड़ा सा बड़ा है। मैं रात को इसको सही कर दूंगी थोड़े से इसका जो। हाँ चलो, डैडू को भी दिखा देंगे हम। मैं क्लीन कर रही थी ये सब झूमर वगैरह, तो ये देखो ये खुद क्लीनिंग कर रहा था, देखो। क्योंकि अभी हमारी मेड नहीं आई है। हाँ यार, मेड ने ना बहुत बड़ा धोखा दिया हमें। मतलब आप किसी से मंगवा लो, ये लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। एक तो झूठ बोल के घर गई है अपने, और जब अगर झूठ भी नहीं बोला तो इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता है। मतलब वो लग ही रहा था कि वो झूठ बोल रही है। और देखो मतलब कितने दिन हो गए उसको गए हुए बंदी को, और अभी तक नहीं। चलो खैर, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं। और ये कार्टून देख रहे हैं, देखो कुंजू भी यहीं कहीं थी, नहीं चली गई यहाँ से अभी। हाँ देखो, एक पैरों में आ रहा है इसकी। ये निकाल दूँ आपका ये? मैं सोच रही हूँ दिव्यू के लिए, जैसे बांसुरी लास्ट टाइम पे छोटा सा था तो इसे तोड़ दी थी, और भी कुछ सामान है तो मैं ले आती हूँ। मुकुट भी इसका लास्ट टाइम पे बहुत छोटा आने वाला है, तो या तो सेक्रेटरी जाऊँ, या तो मैं सेक्रेटरी जाऊँगी या फिर मैं लाज पर जाऊँगी, तो मैं लेकर आऊँगी भी इसके लिए जो एक दो सामान बचा हुआ है ना वो लेकर आऊँगी। और बाल भी कटेंगे। कटिंग दिखाओ आपने। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, ऑलमोस्ट नहीं मतलब मैं और 10 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। एंड दिव्यू के मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं। अभी पावलो घूमने के लिए गया, कुंजू घूमने चल जाएगी, और अभी मैं हाफ एन आवर के बाद जाऊँगी लाजपत नगर, क्योंकि कल है जन्माष्टमी। तो मुझे दिव्यू के लिए, ऐसे दिव्यू के जो आपको स्टार्ट में देखा होगा कि उसकी जो ड्रेस है वो उसकी बड़ी मासी ने भेज दी थी, बट उसके लिए मुकुट वगैरह एंड ऑल लेकर आना है मुझे सामान उसके लिए। तो मैं सबसे लाजपत बेस्ट ऑप्शन है, एंड अपने लिए ना कुर्ता वगैरह देखती हूँ सुंदर सा ना कल के लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर। अगर किसी वजह से लाजपत नगर नहीं गई तो फिर मैं सोची सेक्टर 18 का जो मार्केट है अट्टा मार्केट, वहाँ पे मिल जाएगा जन्माष्टमी का सामान, तो वहाँ से लूँगी। कुर्ता वगैरह नहीं खरीदूँगी, वो कोई ना कोई मैं साड़ी वगैरह कुछ पहन लूँगी। और इसलिए दिव्यू सो गया तो मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी हो जाती फिर उसको रेडी करूँगी, एंड उसके कपड़े देख लूँगी। ये उसके कपड़े प्रेस करके रख दिए, दुपट्टा भी मैंने रखा हुआ है, एंड देखो ये ना बहुत सुंदर लगता है कुर्ता, बहुत ही प्यारा। ये आलिया कट, नायरा कट, आलिया कट जो भी है, बट बहुत सुंदर लगता है मुझे इस टाइप के ना प्रिंटेड कुर्ते ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो अगर इस टाइप का मुझे कुछ मिलता है तो मैं पक्का परचेज करने वाली हूँ। एंड अब मैं मिलती हूँ आपको रेडी होकर। मैं हुई रेडी और दिव्यू के लिए मैंने कपड़े रख लिए, अभी वो सो रहा था, सोचिए उसको ऐसे ले जाऊँगी और आपको फुल लुक दिखा दी। ये रहा मेरा फुल लुक, बस कैमरा पता नहीं क्या दिव्यू ने ना ख़राब कर दिए बहुत, इसका आज टेम्पर भी चढ़ा के लाऊंगी मैं, बिल्कुल ख़राब कर दिए। फ्रंट से भी कैमरे का पूरा टेम्पर तोड़ दिया, बैक से जो है वो यहाँ पे ना हल्के से स्क्रैच कर दिए, एंड बस दिव्यू के कपड़े उठा लूँगा और फिर हम चलते हैं। पावलो घूम कर आ गए, कुंजू को भी भेजा है, कुकु अभी जाती नहीं घूमने के लिए। मैंने बनाई अपने चाय, बस चाय पी के फिर निकलते हैं। सुंदर है दिख, कौन सी वाली शॉप थी वो। पहुंच गया राज को करके है, जहाँ से मुझे पंकज के लिए कुर्ता बजाने का दिव्यू की शक्ल देखूं। पहुंच गया थर्ड फ्लोर पहन कर, बहुत सही कलेक्शन हुआ सारा, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है इनके पास हर चीज का। देखो पहुंच गए, और इन्होंने राज को निराले लगा रखे फेस का।
एक दो तीन कलर भी हम लोग डिसाइड करेंगे और दिखा रहे हैं मुझे। बस कलेक्शन अच्छा होता है, देखो बहुत सुंदर कलेक्शन के पास, बस यही है। यहाँ से मैं ले रही हूँ दिव्यू के लिए सामान, क्योंकि ड्रेस इसके पास है और कुछ सामान और है, लेकिन कुछ जैसे मुकुट वगैरह इसका छोटा है। इसके अलावा मुरली इसने लास्ट टाइम तोड़ दी थी, इसी शॉप से लाजपत में जो है मैं सामान लेती हूँ जन्माष्टमी वगैरह का, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके फेस पर ना। और मुझे पता होता ना कि जन्माष्टमी मतलब आने वाली है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करती, मैंने इसके बालों की कटिंग भी कर ली, बट वो ब्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा। मैंने कहा पहले जन्माष्टमी वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ से बस हम लोग सामान लेने के बाद फिर मैं कुछ अपने लिए लूँगी। यार बहुत ज़्यादा भीड़ है आज लाजपत में। हाँ ज़्यादा, चलो चलो अब मैं अपने लिए कुछ देखती हूँ। दिव्य भक्ति का भी वॉश दिखाऊंगा, वाह भयंकर भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़। 9 बज गए, बंद होने वाला मार्केट। ठीक है कुछ तो लेके जाऊँगी अपने लिए, सूट अच्छा देखती हूँ। पंकज के लिए लिया, दिव्य के लिए ले लिया। हाँ दिव्यू की बांसुरी मिल गई है, दिव्य बांसुरी मिल गई, मम दिलवाएंगे, मम्मा चल रहे हम लोग। ये वाला लिया हमने, अच्छा लग रहा है ये। हाँ हाँ जो मैंने आपको दिखाया ना वो अच्छा है, डबल बेड का तो नहीं है बट ठीक है, बच्चे के लिए वैसे ठीक है वो, तो मैंने एक लिया दिव्यू के लिए। ना ना अब नहीं, अब 200 रुपए की आप ऐसी करोगे मतलब कलर का क्या फर्क हुआ, ये चीज तो गलत है। नहीं नहीं ये चीज तो गलत है, देखो इस कलर के लिए आप कलर के लिए ऐसे कर रहे हो आप मुझसे। उसकी हालत दिखाओ, अपने मुंह दिखाओ, अपना मुंह दिखाओ, फेस दिखाओ, अपने ऊपर कितना खा रहा है, आ ओपन योर माउथ। हा 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 अभी खा रहा है पाव भाजी, जो राम लड्डू फूड है ना उसके पास तो खत्म हो गया था, फिर सामने वहाँ से कुछ खा रहे हैं मतलब पाव भाजी खा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि 9 बजे बंद हो जाते हैं मार्केट, 9:30 हो गया। मैंने इतना सोच भी लिया, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा लिया है और भी सामान ले लिया हमने। फिर से खाने लगा टॉफी, ये है इस पे ख़त्म हो गया था। है बेटू अभी ब्रेक हो, पहले सब नहीं खानी है। हाँ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के मुझे खिलाओ। किस स्कूल आ रहे हो बाबा? भैया इसको चेंज करने कपड़े अभी अभी लेते हैं, अभी चेंज करवाते हो, रुक जाओ। देखो ये ऑप्शन है, ये वाले भी है। आओ दिव्यो, लाजपत में अच्छा ऑप्शन है बस कुर्ते पजामे का, बच्चे के बिलते नहीं जल्दी से बट इनके पास अच्छे ऑप्शन है। हम लोग आ गए वापस और ये रहा शॉपिंग करके जो मैं सामान लाई हूँ। ये देखो ये पूजा के लिए लेकर आई हूँ मैं, ये दिव्यू के हैं क्योंकि ड्रेस इसके पास है, इसमें दिव्यू की बांसुरी है, मैं दिखाती हूँ। अरे निकल रहा। ये नहीं दिव्यू की बांसुरी, बजाओ ऐसे ऐसे मम्मा बजा। बजाएंगे मम्मा, लास्ट टाइम भी ऐसे तोड़ते रहा, अच्छी बज रही। कैसे बजती है?